कप्तानगंज क्षेत्र से बड़ी खबर, अनियंत्रित मेटाडोर पलटी, 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल, 9 रेफर, 3 की हालत गंभीर। यूपी बस्ती जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग पर कप्तानगंज के नजदीक खजुहा गांव के पास बस्ती हरैया लेन पे सड़क पार कर रहे युवक को बचाने के चक्कर में मेटाडोर अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें बैठे करीब 2 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए, जिसमें 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार संत कबीर नगर के दरुआ जप्ती गांव के 2 दर्जन से ज़्यादा लोग दाह संस्कार में अयोध्या के लिए जा रहे थे। अभी वो कप्तानगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे स्थित खजुहा गांव के पास ही पहुंचे थे कि सड़क पार कर रहे एक युवक को बचाने के चक्कर में मेटाडोर पलट गई, जिसमें बैठे सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम और हाईवे के देवदूत प्रमोद ओझा ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कप्तानगंज के लिए पहुंचाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद 9 लोगों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, बाकी सभी का इलाज चल रहा है। घटना स्थल पर पहुंचे थानाध्यक्ष रोहित उपाध्याय ने सड़क पर पलटी मेटाडोर को सड़क के किनारे कराया है और सुचारू रूप से यातायात को बहाल कराया है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे थे कि जहां पर कप्तानगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत खजुहा गांव से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही थी। दाह संस्कार के लिए जा रहे लोगों की गाड़ी पलटी है, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही लोगों ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया और मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कप्तानगंज पर पहुँचाया है, जहाँ पर प्राथमिक उपचार के बाद 9 लोगों को रेफर कर दिया गया है, बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। तो ये तस्वीरें सीधे तौर पे आप NH 28 खजुहा के पास की देख पा रहे थे कि जहां पर देख पा रहे हैं कि अस्पताल में लोगों की भीड़ लगी है और घायलों का इलाज किया जा रहा है। मौके पे कप्तानगंज पुलिस भी पहुंच करके जांच पड़ताल में जुटी हुई है, घटना की पूरी विस्तृत ब्यौरा भी ले रही है और हाईवे पर पलटी गाड़ी को पुलिस ने हटवा करके यातायात को संपूर्ण रूप से बहाल भी कराया है। तो ऐसी खबरों को पाने के लिए हमारे फेसबुक पेज पे बने रहें। सुनते हैं क्या कहते हैं डॉक्टर जी। सर एक्सीडेंट हुआ है, कितने लोग घायल है कैसे? लगभग मास कैजुअलिटी, उसमें मास इमरजेंसी थी, एक लग गई थी, उसमें 15 से 20 लोग आए थे, तो उसमें प्रमोद ओझा जी लाए थे और काफ़ी एम्बुलेंस से आए थे। कितने लोग को घायल है इसमें जो रेफर कर दिए? रेफर के 7 लोग गए हैं। घायल कितने होंगे? 17। इधर एक चीज़ और देखने को मिला कि जो घायल थे वो ज़मीन पर तड़पते रहे और उनको जैसे जो स्टाफ की कमी कहें या सिस्टम का फेलियर कहें, वो तड़पते रहे, उनका इलाज संभव समझने में नहीं। इलाज तो सबका हुआ है, इलाज रेफर किया गया सबको, और बेड नीचे 4 बेड लगे हुए हैं, 15-16 लोग थे, तो थोड़ा संसाधनों का अभाव हो जाता है, और सब बाकी बच्चे बैठा गए थे, तो दर्द उठा तो उनको वो सब लेके बाकी सबको ट्रीटमेंट लेके बाकी सब।